नमस्कार, एग्रीबिजनेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस एफओ का, जो मेंस का भी कट ऑफ रिलीज हुआ है उसके बारे में। आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में अभी मेंस का कट ऑफ रिलीज हो चुका है, नहीं देखा है तो वो चेक कर। अब जो रिजल्ट्स का कट ऑफ रहा, क्या रहा सर, कट ऑफ कितना गया है? तो कट ऑफ जो हमने पहले आपको बताया था, अगर 516 पर वैकेंसी पर कट ऑफ वैकेंसी यदि इंक्रीज नहीं होती है तो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, 35-40 के बीच में कट ऑफ गया है। मैंने पहले बताया था कि -5 और +5 हो सकता है। एग्जिट कट ऑफ कोई नहीं बताएगा, एक्सेप्टेड कट ऑफ बताते हैं हर कोई भी हो, जितने भी यूट्यूबर होते हैं सारे के सारे वो एक्सेप्टेड कट ऑफ बताते हैं। वो एग्जिट उसको भी नहीं पता होता है, एग्जिट पता होता है बीपीएस को जब वो रिलीज करता है, ठीक है। तो उससे पहले किसी को कन्फर्म नहीं होता है कि वो कट ऑफ क्या जाएगा, तो बस अपना एक्सेप्टेड होता है, लोगों का मानना होता है कि इतना जा सकता है, इसलिए उसमें ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ को लेकर कट ऑफ डिसाइडेड होता है आईबीपीएस के थ्रू, बट लोग एक्सेप्टेड होते हैं पेपर के हिसाब से, लोग एक्सपीरियंस के आधार पर बता देते हैं। फिर भी हमने इतना ही बताया था, आप चेक कर लेंगे। दूसरा है कि अब आईबीपीएस एफओ का तो मेंस का जो कट ऑफ है वो तो हो चुका है, रिलीज हो चुका है। हमारी तरफ से उन सभी विद्यार्थियों को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो जिनका आईबीपीएस एफओ का मेंस है, जो इंटरव्यू में जा रहे हैं। अब देखो, इंटरव्यू में आईबीपीएस एफओ का प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, अब क्या, अब नेक्स्ट क्या होगा? तो अब नेक्स्ट जो होगा आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, वो डीवी प्रोसेस होगा। तो इंटरव्यू में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ। पिछले साल आपको मैं अपना रिजल्ट शो कराऊंगा, ठीक है, अपना रिजल्ट बताऊँ दिखाऊंगा आपको, ठीक है, वीडियो के भी लास्ट में दिखाऊंगा। हो सकता है कि अभी मैं थोड़ा सा आपको अपना इंटरव्यू लेटर, मेरा इंटरव्यू लेटर था वो मैं आपको दिखा दूंगा, अपना रिजल्ट भी आपको मैं दिखा दूंगा। पिछले साल मैंने आरआरबी स्केल 2 में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में अप्लाई किया था, तो उस समय जो इंटरव्यूअर थे, जो इंटरव्यू देने से पहले उन्होंने एक चेंज किया था आरआरबी ने, इसी तरह अभी की बार आईबीपीएस भी कर रहा है, आईबीपीएस के थ्रू ही कर रहा था आरआरबी। तो ठीक है, तो ये तो बात हो गई है। अब आईबीपीएस एफओ में आगे क्या होगा, आगे वही होगा स्टूडेंट्स, आपका डीवी डॉक्यूमेंट इंटरव्यू होगा सबसे पहले, तो अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कीजिएगा। अब तक इंटरव्यू में क्या, पिछली बार क्या रहा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसने आरआरबी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए बोला था कि आप इंटरव्यू से पहले, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए आएंगे उससे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी बात आईबीपीएस आपसे कराएगा, इस बात का ध्यान रखना, ये कॉमन होता है, कोई इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बट इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जैसे कि आपको क्या अपलोड करना है। सबसे पहले तो आपसे 10th की मार्कशीट मांगी जाएगी, आप बर्थ सर्टिफिकेट, आपका जन्म प्रमाण पत्र या आपकी 10वीं की मार्कशीट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा स्टूडेंट्स। उनका साइज 1 MB हो सकता है, 2 MB हो सकता है, पीडीएफ फॉर्म फॉर्मेट में होगा, वो सब लिखा रहेगा। अगर किसी ने इंटरव्यू लेटर निकाल लिया है और अगर वो अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए अभी बोला गया है तो देख सकता है, बट अभी मैं मेरी एक वीडियो थी आरआरबी एसओ को लेकर कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करें, अगर किसी ने वो नहीं देखी तो मेरा एग्रीविद कीवर्ड्स चैनल है, प्ले लिस्ट में जाइए, आईबीपीएस एंड आरआरबी एसओ में रिलेटिव वीडियो है, वहाँ पर वो वीडियो मिल जाएगा। तो चलो उसके बाद है, दूसरी बात यह है कि 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट 10th की मार्कशीट से बन सकता है, या तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टूडेंट्स या 10th की मार्कशीट, उनमें से एक। दूसरा है आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए ओरिजिनल। उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री नहीं है, पहली बात तो डिग्री तो होगी, अगर नहीं है तो आपके पास पूरे बीएससी एग्रीकल्चर में 8 सेमेस्टर होते हैं, उन 8 सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, और वो मर्ज करने के बाद, स्कैनिंग करने के बाद अपलोड भी करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो पोस्ट ग्रेजुएट का नहीं है तो आप अदर डॉक्यूमेंट्स में वो अपलोड कर सकते हैं। दूसरा है उसके बाद है कि फिर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर जो ओबीसी कैंडिडेट, ध्यान रख लेना, जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। यदि उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा ले, पुराना है तो पुराना लेके चले जाइएगा जब तक वो नहीं आता है, लेकिन वो जरूर चाहिएगा उनको, क्योंकि जो जो जॉब है, जो आपको रिजर्वेशन मिलेगा वो किसी से मिलेगा, कास्ट सर्टिफिकेट से मिलेगा। जो ओबीसी के कैंडिडेट है वो जनरल में जाएंगे, वो किसके थ्रू जाएंगे, ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट के थ्रू जाएंगे। अगर किसी के पास इस तरह का कोई सर्टिफिकेट स्टूडेंट नहीं है तो वो बनवा लेगा,
इंग्लिश का होता है वो, उत्तर प्रदेश सरकार, अगर उत्तर प्रदेश सरकार से है कोई तो बिहार सरकार से है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट अगर आप बोलिएगा तहसील में तो बन जाता है। थोड़ा सा समय लगता है, 1 हफ्ते का समय लगता है, बट बन जाता है। उसके बाद आधार कार्ड पैन कार्ड तो आपके पास होंगे ही, वो राशन कार्ड, राशन कार्ड में नहीं चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चलेगा, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड और पैन कार्ड ही आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है। बाकी ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाई, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पर 2 सेट बना के लेके जाना है, और यही डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें होता ही नहीं है, IBPS में फ्रेशर वैकेंसी होती है, फ्रेश कैंडिडेट को लेते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता। और IBPS अगर होता है तो उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले को आप चिंतित हो सकते थे, बट इसमें नहीं है। तो ये तो मेरा डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग रहा है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे कि भाई आपको इंटरव्यू में क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इंटरव्यू के समय आपको देखो आपका इंटरव्यू हो जाएगा 24 घंटे पहले आपसे अपलोड के लिए मांगा जाएगा। आपके बाद ऐसा कुछ है सुनने में आ रहा है, मेरा एक दोस्त है उसका भी अभी मेंस का कट ऑफ फाइनल हुआ है, तो मेंस में वो भी कह रहा है कि आपकी वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो चलो अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत टेंशन लेने की बात नहीं। स्टूडेंट्स देखो, जो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जिस आदमी को ये नहीं पता, किसी ने कभी उसने ज़िंदगी में इंटरव्यू फेस नहीं किया है, इंटरव्यू नहीं दिया है, वो आपको कैसे बता सकते हैं कि इंटरव्यू में ये करना चाहिए होगा ना। नहीं, आपको इंटरव्यू के बारे में केवल वही आदमी से बता सकता है जिसने इंटरव्यू फेस किया है। चलो ये तो बात होगी। अब इंटरव्यू में आपको क्या ड्रेस चाहिए, अब आते हैं इंटरव्यू के पोर्शन में। डॉक्यूमेंट पोर्शन मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स में इस तरह डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और लेके भी जाने हैं। अब आता है इंटरव्यू के बारे में, सब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहले आप तो अगर आप सेव रखना चाहते हैं या अगर दाढ़ी वगैरह रखना चाहते हैं, खत वगैरह अगर जो बोलते हैं उसको रखना चाहते हैं, तो उसको मेंटेन करके जाइएगा। दूसरा, अगर आप क्लीन अप करने चाहते हैं, फिर साफ, बिल्कुल साफ रखना पहले से रखते हैं तो बिल्कुल आप रख सकते हैं, बट उस दिन मत ऐसा मत करना कि भी मैं फेस साफ नहीं रखता हूँ, यानी कि बाल रखता हूँ, दाढ़ी वगैरह रखता हूँ, और उसके उस दिन अगले दिन, पहले तो रखता था 2-3 साल से रख रहा हूँ, अब भी रख रहा हूँ, और फिर उस दिन इंटरव्यू के समय मैं इसको साफ करके बिल्कुल क्लीन करके चले जाऊँ, वो ऐसा मत करना है। अगर आप रखते हो तो ठीक है, अगर नहीं रखते हो तो नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। दूसरा है कि क्या कपड़े पहनो, सर क्या होना चाहिए, क्या मेरा ड्रेस होना चाहिए। ड्रेस के लिए कुछ नहीं है, फॉर्मल पैंट शर्ट अगर आपके पास है, अगर आपने टाई लगा ली तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, आप वो कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्लेजर नहीं है, ब्लेजर छोड़ दीजिए, अगर आपके पास कोट है तो आप कोट में जा सकते हैं, क्योंकि आप एक ऑफिसर रिंग पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कलर के रिंग पे इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगना, इस कैंडिडेट ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये ऑफिसर लाइक ऑफिसर के लाइक, मतलब लुकिंग लगता है ऑफिसर की तरह लगता है, तो आईना में ये चीज़ जरूर देखता है, ड्रेस ड्रेस सेंस आपको देखता है जरूर, कि आप ड्रेस कैसे पहनते हो, कैसे नहीं पहनते हो, आप बाल को कैसे रखते हो, कैसे नहीं रखते हो, वो मैच होना चाहिए आपके, आपकी पर्सनैलिटी पे आपका ड्रेस मैच होना चाहिए स्टूडेंट्स। उसके बाद हाँ ये हो गया है। दूसरा, ड्रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कोई भी जीन्स पैंट पहन के मत जाना भाई, जीन्स वगैरह मत जाना, फॉर्मल कपड़े आप ले सकते हैं, अगर आप टाई लगा सकते हैं तो बढ़िया है, टाई लगा लीजिए। अगर आपको फील, अगर आप आपको लग रहा है कि सर्दी का मौसम, उस दिन सर्दी लग रही है, तो आप कोट डाल सकते हैं, ब्लेजर नहीं डाल सकते, बस कोट डाल सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जरूर लेकर जाना है, ओरिजिनल सभी, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ सकते हैं एग्जामिनर, देखो IBPS का इंटरव्यू है, RRB का इंटरव्यू तो नहीं है, IBPS का इंटरव्यू है, तो इसमें आपसे ये पूछेगा जो एग्रीकल्चर का जो बजट अभी आया है, उसमें एग्रीकल्चर को कितना पैसा मिला है, कहाँ कहाँ वो बजट, कहाँ कहाँ एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर्स होते हैं, वे कहाँ पर उसको एक्सपेंस करेंगे, कहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, कहाँ पर उसको खर्च करेंगे, इतना बजट आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर का कितना बजट आया है और किस किस के लिए कितना है, एक मोटा सा। आपको एग्जिट डाटा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लमसम में बताएंगे, आप लगभग में बताएंगे तब भी चल जाएगा। दूसरे स्टूडेंट्स ये है कि आपका एग्रीकल्चर में जितने भी बैंकिंग रिलेटिव स्कीम होती है, जैसे आपका किसान क्रेडिट कार्ड होता है, आपका KCC होता है, पशु किसान क्रेडिट कार्ड होता है, लोन से संबंधित जितनी भी एग्रीकल्चर की स्कीम है, जैसे कि आपका
आपने एक नाम सुना होगा, परंपरागत कृषि विकास योजना है, उस वो करा सकते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, फसल बीमा योजना है, वो आप याद कर लीजिएगा। जितनी भी स्कीम है एग्रीकल्चर की और जो बैंक में फॉलो होती हैं, उनको तो याद करके जाइएगा भाई। किसान क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा है, पूछा भी जाता है इसकी लिमिट कितनी होती है, बहुत कन्फ्यूज करते हैं लोग इसमें, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि इसकी लिमिट इतनी है, मैक्सिमम इतना है, मिनिमम इतना है, कितना लैंड होल्डिंग पर दिया जा सकता है, कितना पैसा दिया जा सकता है, कितना नहीं दिया जा सकता। अगर लैंड होल्डिंग नहीं है तो इसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ज़्यादा आपको तीसरा है कि बैंकिंग नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। बैंकिंग नॉलेज मतलब होता है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, जैसे आपका CRR कैसे डिजिटल रेसी होते हैं, ठीक है, ESLR, ये सब चीज़ें जो बेसिक हैं, जैसे ATM क्या होता है, पासबुक क्या होते हैं, सेविंग अकाउंट किसे बोलते हैं, क्योंकि आप लोग एग्रीकल्चर होंगे, एग्रीकल्चर में स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते ही हैं, तो आपको किसानों का अकाउंट खोलना पड़ेगा, तो सेविंग अकाउंट, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी। जब ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बेसिक टर्मिनोलॉजी तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि बैंकिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि बैंकिंग का एग्जाम वो IBPS बैंक है, बैंक के थ्रू लेते हैं। दूसरा है कि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन हो जाएंगे और आपसे बजट, ये तीन पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। आप अच्छे से, और आपको देखो ऐसा है, क्वेश्चन को एलेबोरेट नहीं करना है वहाँ पर, इतना जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आपको सटीक देना है। इस बात को थोड़ा सा आप रखिएगा कि भाई ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछा किसान क्रेडिट कार्ड और उसने उसकी हिस्ट्री शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड सर ये है, ये इतने इस टाइम लॉन्च किया गया था, ये किसान को इस तरह दिया जाता है, इसकी लिमिट इतनी होती है, इस तरह से आपको वहाँ पर डिस्क्राइब करना है, ओके। ये तो मैंने आपको बता दिया IBPS के बारे में। दूसरा है कि अगर किसी के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो क्या करेगा, अगर नहीं है तो बनवा लीजिएगा, वो ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट नौकरी, फिर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा अगर आप वहाँ पर सो नहीं करते हो, फिर आपसे वहाँ पर जनरल की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसकी तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि आप सो बता नहीं रही, आपको आप बता नहीं पा रहे कि मैं OBC कैंडिडेट हूँ। जब आप ये नहीं बता पाओगे तो फिर IBPS क्या करेगा, IBPS तो जनरल में आपको काउंट करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ज्वाइन जरूर करवा लेगा, ठीक है, ओके। तो ये तो था मेरा फीस, मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है। बाकी मेरा नंबर है आपके पास है, चलो ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ एक बार, वो ये मेरा इंटरव्यू है, वो मेरा फाइनल रिजल्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मेरा नाम ये लिखा हुआ है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर, और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और ये मेरा एग्रीकल्चर ऑफिसर स्केल 2 का है, और आप देख सकते हो मैं OBC कैटेगरी का हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स है तो ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि ये फेक आदमी है, इसने कभी इंटरव्यू फेस नहीं किया है, तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो मुझे पता है स्टूडेंट की कैटेगरी कैसी होती है, तो क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो अब जब तक आप थोड़ा सा और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, ये उनके लिए दिखा रहा हूँ ताकि कुछ लोगों का मुंह बंद हो जाए, क्योंकि वो गलत कमेंट करेंगे कि इसने क्या प्रूफ है। तो आप देख सकते हैं मेरा नाम आबिद अहमद है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, और दूसरा ये है आपका सब कुछ है यहाँ पर। ये मेरा जब IBPS RRB का मेरा पेपर हुआ था, मेंस का रैक हुआ था, तब उसमें लिखा भी था ये कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव द रोल लेटर फॉर द इंटरव्यू एग्जाम। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए दिखा रहा हूँ स्टूडेंट, ताकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे केवल केवल वीडियो में कमेंट करने के लिए आते हैं, गलत गलत कमेंट करने के लिए आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई स्टूडेंट गलत कमेंट करता है तो उस पर एक्शन मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए कमेंट को दिमाग में सही करके रख कर करना है, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको मिस गाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा नाम ऊपर भी लिखा है, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं अलग हूँ, जरा मेरा नाम इधर है, ठीक है। और मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूँगा, ये सामने लिखा है आर्यवर्त बैंक, ये लखनऊ के अंदर था ये, ठीक है। स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है, ये मेरा चेहरा है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर एंट्री होती थी, एंट्री हुई थी जब वहाँ पर इंटरव्यू के लिए गए थे हम,
तो ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स की जिनको सबूत देना पड़ता है, तो सबूत भी हमारे पास है। हम ऐसे नहीं है कि हम आपको ऐसे बता रहे हैं। आर्यव्रत ग्रामीण बैंक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है, ये लखनऊ के अंदर है, आप देख सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस आदमी ने इंटरव्यू फेस किया है, कई बार फेस किया है, वही आपको सही तरीके से आपको बता सकता है। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जितना मैंने बोला है इतना रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा। बस ये है कि वहाँ पर आपको घबराना नहीं है, इंटरव्यू में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं आप लोगों के साथ। बट ये है कि अगर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, क्वेश्चन नहीं बताया जाएगा, तो आपसे आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो डाउन हो जाता है और फिर आप घबराने लगते हो। तो इस वजह से ध्यान रखना कि आपको जो भी क्वेश्चन में पूछिए उसका आराम से आंसर देना है। ऐसे नहीं है कि आपको एकदम जो भी कुछ बोलना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये था मेरा। बाकी स्टूडेंट्स, यदि किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है, देखो मैंने सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया है, मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर डिस्कस किया है, मैंने यहाँ पर आपके क्वेश्चन को लेकर डिस्कस किया है, यहाँ पर मैंने आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, ड्रेस कोड के बारे में भी यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि कोई क्वेश्चन मेरा रह गया है, तो वो कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट कमेंट कर सकते हैं। और मेरे एक नंबर है, अगर आप मेरे एग्री विद कीवर्ड्स पर जाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये डालेंगे तो ये लोगो आएगा, ये मेरा चैनल है, ये आप लोगों का चैनल है। मेरा तो नहीं है, आप लोगों का चैनल है सभी का। आप लोगों सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों का चैनल है। ठीक है, इसमें मुझे कोई इतना बड़ा वो नहीं है। बस ये है कि मेरा कोई भी स्टूडेंट्स अगर मेरी वीडियो देखता है, अगर उसको लाभ मिलता है, बेनिफिट मिलता है, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। आप लोग यहाँ पर जाएंगे तो इस चैनल पर क्लिक करेंगे ऊपर, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। किसी के बारे में अगर समझ में नहीं आई चीज़ यहाँ पर, तो मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे किसी भी तरह का पैड प्रमोशन नहीं चाहिए, ना किसी का पैड प्रमोशन वगैरह करता हूँ। कॉन्टैक्ट आप मुझसे कर सकते हैं। अगर कोई IBPS RRB स्टूडेंट्स है या भी IBPS एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स है, क्या चीज़ें उससे ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगा अगर किसी को, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग यहाँ पर जाकर दे सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट आपको समझ में आता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो चलो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। अगर ऐसा रहा कि कोई मेरा, अगर मुझे लगा कि कोई अगर कोई स्टूडेंट्स कमेंट करता है इंटरव्यू के लिए, तो मैं इंटरव्यू के 2-4 सेशन आप लोगों के लिए ला दूंगा, क्योंकि उनसे उससे रिगार्डिंग भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू देंगे। तो ये है कि अगर हो सकता है कि आपको उसका फ़ायदा हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का मॉक इंटरव्यू की तैयारी करने की आवश्यकता है। नहीं, आपके पास आप एक मिरर के सामने खड़े हो सकते हैं, अपना नाम आप हिंदी में, हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था, सर इंटरव्यू हिंदी में ले सकते हैं, इंग्लिश में या दे सकते हैं। आप हिंदी में दें, इंग्लिश में दें, कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, लेकिन एक लैंग्वेज आपको चूज करना है। कुछ अगर आप हिंदी के वर्ड्स इंग्लिश में, इंग्लिश के वर्ड्स कुछ बोल सकते हैं, तो बिल्कुल बीच बीच में आप यूज़ कर सकते हैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स। लेकिन किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होता है, ना कोई दिक्कतें होती हैं, आप हिंदी में बात कीजिए इंग्लिश में, क्योंकि आपका जो काम होगा वो किसान से होगा। किसान इंग्लिश, कुछ है किसान जो इंग्लिश जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भी बिल्कुल स्टूडेंट इंग्लिश नहीं जानते हैं, ऐसे नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी। बट ये है कि आपका जो काम है फार्मर्स से सर आपका फार्मर से रहेगा, तो मुझे लगता है कि अगर आप हिंदी अच्छी जानते हैं तो आप हिंदी में प्रिफेयर कीजिएगा। इंग्लिश में जाएंगे तो, अगर आप इंग्लिश में जाएंगे तो आपको अदर स्टेट में या फिर जैसे पौंडीचेरी गोवा, अलग कुछ डिस्ट्रिक्ट होते हैं इस तरह के, आपको इंग्लिश वाली अर्बन कैटेगरी में आपको डाल सकते हैं। तो बट मेरा कहने का मतलब है, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में इंटरव्यू दीजिएगा, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में इंटरव्यू दीजिएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई किसी भी तरह का कोई डाउट होगा। अगर डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बट नंबर मैंने आपको बता दिया है, 9 से 5 बजे के बाद कॉल कीजिएगा। तो क्योंकि मैं 5 बजे तक मेरा भी ऑफिस रहता है भाई, 5 बजे के बाद आप कॉल कीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा।
ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू।